opinions and stories around the game we love, told by your favorite storytellers. Stay up to date with all things cricket. Subscribe to Cricket Buzz's YouTube channel and press that bell icon now. मोहम्मद सिराज को जरूरत है क्रेडिबल एडवाइस ऑफ द डे की, पार्ट बाय क्रेडिट बी लोन्स एनी टाइम एनीवेयर। कंडीशंस को एंजॉय करेंगे ब्रिबॉन स्टेडियम की, लेकिन उनकी जो स्ट्रेंथ है पेस आरपी काफी महंगे साबित हुए हैं, तकरीबन 9 से ज्यादा की उनकी इकोनॉमी रेट रही है। जब किसी खिलाड़ी के पास पेस हो, वो फिटनेस है, वो रन करके आते हो, फिर भी इतने रन पड़ रहे हो, तो क्या दो कानों के बीच वो दुविधा होती कि अब मैं फंस गया, मैं तो क्या करूँ। अब बिल्कुल, क्योंकि अगर आप देखें कि गेंदबाजी में थोड़ा सा बदलाव तो दिखा है, तभी इतने रन पड़ रहे हैं। क्योंकि अगर आप पुराना देखें सिराज, तो उनके दौड़ के अच्छा तेज आते थे, सीम से हिट करते थे और वो उस हिट की वजह से बाउंस मिलता था। पर अभी आपको सीम गेंदबाजी उतनी देखने को नहीं मिल रही। पहले क्या होता था कि क्रॉस सीम गेंदबाजी करते थे, वो एक दो बॉल यूज़ करते थे जो एक वेरिएशन का पार्ट मानते हैं हम, कि आपने क्रॉस सीम गेंदबाजी कर दी, एक वेरिएशन पड़ने के बाद अंदर आ गई या बाहर चली गई। पर आप जितनी ज़्यादा क्रॉस सीम गेंदबाजी करते हो, ये दर्शाता है कि आप उतना कॉन्फिडेंट नहीं हो। तो सिराज के लिए ज़रूरी है कि थोड़ा अपने आप को मोटिवेट करें, क्योंकि ये सब बहुत सारी बातें हैं, मैनेजमेंट मोटिवेट करें कप्तान पर, एक्चुअली आपको अपने आप मोटिवेट करना पड़ता है। वो तभी होता कि जब कि आप कोचिंग नहीं, मुझे जो मैं पहले था वैसा कुछ कुछ करने की कोशिश करूँगा, सीम से गेंदबाजी करूँगा, रन हार्ड करूँगा, और ये बहुत सारे वेरिएशन पर नहीं, एक बार बेसिक्स फॉलो करूँगा कि भाई अच्छा फॉलो थ्रू है, अच्छा सीम गिरे, अच्छा ऑप्शन बाहर गए, इतना फॉलो करना है एक मैच में बस। एक बार वो लय आ गया तो काफ़ी चीज़ें बेटर हो जाएंगी। पार्थिव, आपने अपने करियर में विकेट के पीछे से कई बॉलर्स को तो तेज दौड़ते हुए आते हुए देखा है, फॉर्म पाते हुए और फॉर्म खोते हुए देखा है, ज़हीर खानों आरपी को आपने देखा, बहुत सारे इंडिया के ऐसे गेंदबाज हैं, क्या अलग करना चाहिए जब तेज गेंदबाज अपना रिदम खो बैठे या बहुत रन पड़ रहे हैं? आई थिंक सबसे किसी के लिए भी अगर वापस फॉर्म लाना है तो आप क्या कहते हैं, गो बैक टू बेसिक्स। आप वही चीज़ करते हैं कि कई बार जैसे आरपी ने कहा कि आपका फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा होता तो आप तेज़ भाग जाते हैं, कई बार स्लो भाग जाते हैं, लेकिन कौन सा रिदम है जो जो आपको अच्छी तरह से लगता है कि ये अगर ये स्पीड से मैं भाग रहा हूँ तो उसके बाद मेरी डिलीवरी अच्छी होती है, तो आई थिंक वही काम करना चाहिए। एंड जस्ट बेसिक पे वापस जाइए और सोचिए कि मुझे क्लैरिटी ऑफ थॉट्स चाहिए, कि मैं जब भी जाऊँगा कि नए एक बॉल से गेंदबाजी करते हैं तो ऐसा ज़रूरत है नहीं कि उनको यॉर्कर्स डालने हैं या स्लोअर वन डाल देने, जाइए आप 6 की 6 लेंथ हिट कर सकते हैं, आप में वो एबिलिटी है, तो आई थिंक वही काम करना चाहिए। वापस जाइए, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, और सोचिए कि वहाँ पे जो कोन रखा है ना, मैं वहाँ पे गेंद डालूंगा, और बैट्समैन को जो भी करना है वह कर गए। बहुत हार्ड ट्राई नहीं करना चाहिए, कई बार बहुत हार्ड ट्राई करने में ना बहुत बॉडी का बैलेंस बिगड़ जाता है, वो आपका वेट ट्रांसफर नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें मिसमैच हो जाती है, तो हार्ड ट्राई भी नहीं करना चाहिए ऐसे में। फाफ डुप्लेसी का क्या रोल है इन्हें फॉर्म में वापस आने के लिए, जो एक स्पेस चाहिए, क्या सेफर ओवर्स इनसे कराएं? नहीं, ज़रूरत नहीं है ऐसा, आई थिंक सेफर ओवर्स की ज़रूरत ही नहीं है। अब सेफर ओवर्स कब कराओगे आप? पावर प्ले के बाद अगर मोहम्मद सिराज को गेंदबाजी कराओगे तो वो उनकी जगह भी नहीं है। मोहम्मद सिराज सबसे अच्छी गेंदबाजी करते हैं नए गेंद से, तो वही करानी है सेफर ऑप्शन, तो आई थिंक वहाँ से आप बाहर नहीं निकल सकते। अगर आप, ये गेम ऐसा है कि अगर आप रास्ता सेफ ढूंढने जाओगे तो गेम आपको पकड़ लेगा कहीं से भी, तो वो तो काम आई डोंट थिंक वैसा करना चाहिए। मेरे ख्याल से जो आरपी ने कहा कि कुछ एक्स्ट्रा ट्राई करने की ज़रूरत नहीं, अपनी गेंदबाजी करें, अपना एंजॉय करें, आपको रिटेन किया है क्योंकि आपने अच्छा प्रदर्शन किया है, इसीलिए आपको रिटेन किया हुआ है। 1 साल के प्रदर्शन से रिटेन नहीं होता कोई प्लेयर।